अस्सलाम वालेकुम। आज के संडे के ब्लॉग के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं भी सोकर उठता हूँ। सोकर उठने के बाद मैंने अम्मी को नाश्ता बना के दिया है। अभी अंडे बॉयल हो रहे हैं और बाकी सब लोग घर में सो रहे हैं। तो अभी मैं अपनी वाइफ के पास आया हूँ और मैं इनकी शुगर चेक करूँगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको शुगर चेक करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ग्लूकोमीटर रेडी कर लिया है, सेल मैंने लगा दी है इसके अंदर, और ये जो पेन आप इसको कह सकते हैं, और इसके अंदर मैंने निडल भी लगा दी है। निडल के बाद इसका जो कैप होता है वो आपको लगाना होता है इस तरीके से, इसमें कैप लगेगा, ठीक है। और कैप लगाने के बाद इसके अंदर जो है ये शुगर स्ट्रिप है जो ग्लूकोमीटर के अंदर इस जगह पे, इस पॉइंट पे लगती है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए इसको एक दफ़ा ऐसे पेन की तरह क्लिक करना पड़ता है तो ये येलो हो जाता है। येलो होने के बाद रेडी टू यूज़ होता है, और इसी बटन को प्रेस करके हम जो है वो नीडल जो है वो इंजेक्ट करते हैं स्किन में, और उसके बाद खून सैंपल लेके वो इसे स्ट्रिप पे लगाते हैं, तो फिर ये सैम्पलिंग हो जाती है। अभी ये रेडी टू यूज़ हो गई, तो शुगर आ गई है जो कि नॉर्मल है फास्टिंग के लिहाज से। तो अब मैं जो है वो कपड़े निकालूंगा, आज धोबी भी आएगा तो काफ़ी कपड़े जमा हो गए धोने के लिए, वो तो निकालने हैं। उसके बाद फिर मैं जाऊंगा नॉर्थ की तरफ, कुछ बैंगलोर का एक प्रोजेक्ट हमने देखा था नेट पे से, जो मेरी सिस्टर ने मुझे ओएलएक्स पे से निकाल के दिया था, उसको विज़िट करना है, जाके देखना है वहाँ पर क्या प्राइस चल रहे हैं और किस तरीके के वहाँ पर लोकेशन है वो भी देखनी है, और जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं वहाँ की, मतलब गैस बिजली पानी का सिस्टम ठीक है वहाँ पर, सीवरेज का सिस्टम है, मतलब वो रहने के लिए हम देखना चाह रहे हैं, तो वहाँ विज़िट करूँगा। उसके बाद फिर मैं शाम तक ही वापस आऊँगा, फिर देखते हैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ कि नहीं, टाइम बचता है तो पढ़ाऊँगा, वरना फिर घर पे आ जाऊँगा डायरेक्ट। तो मिलता हूँ फिर आपसे वहाँ से आने के बाद। इनके जाने के बाद जो है मैंने अपना नाश्ता बनाया, जो एक अंडा फ्राई किया ये मैं ब्राउन ब्रेड से खाऊँगी, कैमरा सेट नहीं किया हुआ मैंने, अब किया है। और ये आप देख सकते हैं सभी फिन के कपड़े यहाँ पे फैले पड़े हैं, जो कि अभी धोबी आएगा उसको देने। तो नाश्ता करने के बाद जो है मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर किचन में जाएंगे खाना वगैरह पकाने के लिए। बाहर से आए, ये आप देख सकते हैं फिन को, फिन ने बड़े मान सर मुझे बनाए थे, लेकिन अब हो गया परहेज, तो अब ये मैं खाऊं। तो फिन मज़े से आलू कीमा और चावल खा रहे हैं, मुझे दिखा दिखा के, यहाँ पे फिन का मैच भी चल रहा है। और जो है अभी फहीम खाना खा के जो है चले जाएंगे अपना पढ़ाने के लिए, और टाइम इस वक्त आप देख सकते हैं 4 बज रहे हैं, और हमारी लाइट किसी वक्त भी जाने वाली है। तो आगे आगे आपको हम दिखाएंगे क्या क्या होता है। देखिए फहीम एक और चीज़ अपने लिए लेके आ रहे हैं, टमाटर की चटनी, बहुत मज़े आ रहे हैं आपके, है ना। तो फहीम जो है वो आने वाले हैं, उनके लिए मैंने बेसन की रोटी और चटनी बनाई है, और खाने में आज जो है फहीम की पसंद की लौकी जीरे वाली, और उसके साथ साथ जो है ये आप देख सकते हैं लौकी गोश पकाया मैंने, और रोटियां जो है पहले ही पका ली थी, वो बाहर हॉट पॉट रखा है, और मामी जो है वो सो रही है और मैं फहीम का वेट कर रही हूँ। तो नाजरीन और हाजरीन, खाने के बाद जो है अब हमारा व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और फहीम बहुत इंजॉय करते हुए जो है यहाँ पे बोतलें भर रहे हैं। ये फहीम ने इतनी सारी बोतलें भर दी, और एक येरी, ये आप फहीम को भी देख सकते हैं। कैमरा जो है वो बहुत ख़राब दिख रहा होगा, इसकी वजह ये है कि हमारी लाइट जो है वो बंद हुई हुई है, लेकिन लाइट हमारी आ रही है। वाह वाह क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें आप हमारा घर ज़रा थोड़ा फैला हुआ है, लेकिन क्या बात है, दिस इज माय रूम। सुने सुने, जरा मेरे इंग्लिश नहीं आती, दिस इज माय रूम, और मामी के कमरे को क्या बोलेंगे, ये दिस इज माय रूम एंड दैट इज मामी रूम, सही बोला,
सर सर इंग्लिश बताने सही बोलिए सर, अभी बिजी है लग रहा है, अभी देखते हैं सर क्या कर रहे हैं, फिर बाद में सर से पूछेंगे। सर सर ना जब भी फ्रिज खोलते हैं ना, ये देख सकते हैं ये बेचारे सब्जियों की सेटिंग सर सब्जियों की सेटिंग करते रहते हैं, क्योंकि जो है ना सर में इनको बहुत फ्रिज अगर भर जाए ना तो मसला होने लग जाता है फहीम को। फ्रिज कैसे भर दिया, क्यों कर दिया, सुने इंग्लिश बता दें सर, आप इंग्लिश ही नहीं सिखाते। मैंने बोला था दिस इज माई रूम, सुन रहे हैं, दिस इज माई रूम एंड दैट इज मामी रूम, सही बोला है। इसका मतलब सर के साथ साथ मुझे भी इंग्लिश आती है सर, खाली आपको नहीं आती। Yes, yes. To learn English, if you want to learn English, then you can just speak English, speak English, speak. Speak English, speak English, speak English. Speak English everywhere, not at home, outside your home, your workplace. If you go to meet your friends, speak English. If you learning or something, you are in college or university, speak English. And अच्छा ये आज हम लेके आए थे ना, जरा ये दिखा दिए, वो छोटी छोटी सी बच्ची है, you know, what is this? छोटी छोटी सी बच्ची है ये रही। आज हमें रास्ते में जो है ना वो आड़ू, लेकिन ये जो है ना अभी थोड़े कच्चे हैं, तो हमने इसको पकने के लिए रखे हैं। तो आज जो है ना अभी थोड़ी देर में तो नहीं, खैर थोड़ी देर के बाद हमारा सोने का टाइम हो तो हम आपको हर एक एक चीज दिखाएंगे। सो विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, बट आई वांट टू से समथिंग लाइक हर खाने के बाद 2-3 घंटे गुजरने के बाद कोशिश करेंगे थोड़ी सी तेल लगा लें, अगर आप भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जैसे मैंने भी शुरू किए 2-3 दिन से, मैं भी 15-20 मिनट आधा घंटे करीब वॉक कर रहा हूँ घर में, जितना मैं कर सकता हूँ। ओके okay.